राज्य सरकार के मंत्री के विश्नोई का बाड़मेर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बैराणी, आप जुड़े हैं अशोक सेहरा फेसबुक पेज से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर के जिला अस्पताल की है, जहां पर राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई आज अचानक से सुबह बाड़मेर के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचे। कुछ कमी पेशियों को देखकर बाड़मेर के तमाम जिला अस्पताल के डॉक्टरों को मौके पर बुलाकर मंत्री के विश्नोई ने तमाम डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए कि अगर इस तरह की गंदगी, मैं अगर दोबारा बाड़मेर जिला अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचता हूं, अगर इस तरह की गंदगी या लापरवाही दिखती है तो आपके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लिया जाएगा, अन्यथा समय रहते बाड़मेर जिला अस्पताल की जो हालात हैं उनको सुधार दिया जाए और जगह जगह पर जो गंदगी है उसको भी सही ढंग से सुधारा जाए। इस तरह से अगर गंदगी होती है और इस तरह की अगर कमी पेशी दोबारा, अगर मैं यहाँ पहुँचता हूँ, मेरे को यही कमी पेशी अगर दोबारा मिलती है तो तमाम डॉक्टरों के खिलाफ जो है वो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब बाड़मेर के जिला अस्पताल पहुँचने के बाद में के विश्नोई का क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर पेशेंटों से मिलने के लिए, क्योंकि बाढ़ का दौरे पर था, व्यवस्था देखने के हिसाब से यहाँ पर मैं आया। व्यवस्था मेरे को ठीक नजर आई है, जरूर हमेशा कुछ ना कुछ सुधार की अपने को आवश्यकता रहती है। पीएमओ साहब के साथ में मैंने पूरा अलग अलग वार्ड, सीसीयू, आईसीयू, अलग अलग मेयर वार्ड, फीमेल वार्ड काफी देखे, तो व्यवस्था पे से अभी तक मेरे को ठीक नजर आई है। जो भी आगे जरूरत होगी जैसा की बताएंगे प्रशासन वाले और भी उसका अच्छा। तो सर, जिला अस्पताल के अंदर और क्या क्या सुविधाएं बढ़ाने को लेकर आप प्रयास करेंगे या क्या कमियां नजर आई आपको? तो जैसे आवश्यकता अनुसार देखेंगे, अभी सरकार को बनने में 100 घंटे हुए हैं तो जैसे होगा वैसे करते हैं। तो सर, आज एसपी साहब से भी मुलाकात की है, किस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई? सारी आपको पता है कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर खूब सारी समस्याएं थी, कानून व्यवस्था में खूब सारी चिकित्सा थी, तो उन्हें सब मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सर, जिला अस्पताल में आज पहुंचे थे आप और एक बुजुर्ग जो इलाज करवाने आया था उसी की जेब कट गई, उसके लिए तुरंत ही पुलिस को निर्देशित किया गया, तो कैमरे भी चेक किए जाएंगे हॉस्पिटल के और देखते पता लगाएंगे कि किसने क्या ये किया। थैंक यू सर, उसकी मदद करने की कोशिश की जाएगी। अरे भात तो बिल्कुल रात्रि जला दे यार, क्या है मंच मत मेर दे, दौरी में नहीं किया, दौरी में नहीं किया।